हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बहुत ठंडा आ गया है, तो ठंडा आप लोग को मुबारक हो। ठंडा इतना है कि मतलब बाहर उठने का मन ही नहीं करता है। मन करता है एक और शॉल ओढ़ ले। बहुत ठंडा है बहुत। और इतना ठंडा में मैं सुबह नहीं नहाती हूँ, बहुत ठंडा लगता है इसलिए। पर माँ देखिए, माँ सुबह उठ के नहा ली, अभी पूजा वूजा कर रही है। वाह, उनको ठंडा नहीं लगता, हम लोग को ठंडा लगता है, बताइए। खैर चलिए, दिखाते हैं कि माँ और नेहा दी सब क्या कर रही है, नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए, सब बैठ के पता नहीं हंस रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नेहा यहाँ पे देखिए, वो बन रहा है खाना पीना, खिचड़ी बन रहा है ना नदी। आज शनिवार है इसलिए आज खिचड़ी बन रहा है। शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए, हमेशा सबको खाना चाहिए। उसे क्या होता है, कुछ होता है कि कुछ होता तो है। शनिवार को खिचड़ी खाने से पता नहीं क्या होता है। ठंडा में चूल्हे पे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आग रहता है ना, इसीलिए। वहाँ देखिए, ओ नदी कितना अच्छा लग रहा था। हम भी बैठते पर देखिए वहाँ जगह ही नहीं है। माँ उधर कर रही है पूजा, दिख रहे हैं उनका पूजा अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ देखिए बना रहे, क्या निकाल रहे हैं जी? बैंगन। इसका क्या बनाइएगा? ऑन है। पता नहीं कमेंट में कौन बोल रहे थे कि मंगलसूत्र चेंज कीजिए। देखिए चेंज कर लिए। वो अच्छा नहीं लग रहा था क्या, हरा वाला? पता नहीं, शायद नहीं लग रहा होगा, इसलिए आप लोग कमेंट कर रहे थे कि चेंज करिए चेंज करिए। पता नहीं एक आदमी की, पता नहीं कौन मुझे कमेंट किए थे कि तुम्हें जो मंगलसूत्र चेंज कर लीजिए, थोड़ा बड़ा पहन लीजिए, ऐसे कुछ कमेंट किए थे, तभी मैंने बोला पहना। इसका ही बता दिया कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए नेहा दी बना रही है बैंगन का चोखा। बहुत सारे नाम है इसके वैसे, है ना नेहा दी? अच्छा, इसको क्या क्या बोलते हैं? भरता बोलते हैं, बैंगन का भरता। और भी बहुत सारे नाम है, बहुत सारे जगह पे, बहुत सब मतलब बहुत रंग के बात। ना बैंगन के जो चोखा बनावे तो बहुत सारा बात बोले कि चोखा भरता, ये वो पता नहीं। हम लोग तो बोलते हैं चोखा भरता, दोनों चीज़ बोलते हैं। ये हमको ठंडा लग रहा है, जा रहे एक और साल उठने के लिए, रुक जाइए। हाँ आपको ठंडा नहीं लग रहा है? कसम से आप आपके पास बैठे हैं ना, इसीलिए मुझे तो लग रहा है, क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे। मौसम तो दिखाइए दे रहा होगा कैसा है। रुक जाइए, हो गया, अब थोड़ा आराम है। क्या चाहिए? तेल। सॉरी सॉरी को तरु। काजी का मंदिर हम घूम रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत बस मैं हेल्प कराती हूँ, बाकी नेहा दीदी जो काम है कर लेती है, हम दोनों मिलके काम ख़त्म कर लेते हैं। अभी देखिए माँ भी पूजा कर ही रही है, उनका भी पूजा नहीं खत्म। चलिए आपको अपना गाय से मिलाते हैं। काजी ठंडा में का हाल बा? वो बेचारा ठंडा तो लग रहा है इसको भी, लेकिन इस बार दिसंबर में ज़्यादा ठंडा नहीं था। है नहीं उतना ठंडा, अपने तो अगले साल बहुत ठंडा था, बहुत, इस साल नहीं उतना। यहाँ पे देखिए माँ का पूजा वूजा ख़त्म हो गया, आप जाके ध्यान करेंगे, है ना? और सुबह सुबह तैयार वार हो के एकदम रेडी ध्यान करेंगे। चलिए खैर, कहीं बाहर वर तो जाते नहीं हैं आप लोग को, अपना ही
घर का जो काम होता है, मेरा फैमिली मेम्बर, वही सब दिखाती हूँ आप लोग को, तब भी आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देते हैं और ऐसे देते रहिएगा। हाँ, वो कहले पता नहीं आप क्या कहले वो रहे हमर बात कहने से मानते तो ये कह रहे तार अच्छा करते रहिए। माँ बोल रही है कि मेरी बहू को सपोर्ट करती रही, यही बोल रही है। खैर वो तो हम भी बोलते हैं कि हमको भी सपोर्ट कीजिए ताकि कुछ कर सके हम लोग। खैर मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल में हमेशा बने रहिए। तो मैं कुछ भी करती तो ऐसे आप लोग को दिखाती रहती हूँ और कहीं जाती हूँ तो तब वीडियो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। क्यों धीरे गाय माँ को कितना परेशान करता है बताइए। ए नहा दीदी पानी पीने खा दीजिएगा ग्लास है नहीं रुके हम ले आते पानी पीजिएगा जी। खैर मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। घर पे कोई है ही नहीं, आशिक गए पढ़ने बताइए। बहुत ठंडा है जी, बाप रे बाप बहुत ठंडा है। और आशिक गए पढ़ने के लिए, आएंगे तब ना, वो आएंगे तब बनाएंगे हम लोग शॉर्ट वीडियो, मिलके बनाते हैं दोनों आदमी। खैर अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और देखती हूँ, ट्राई तो हो रहा है कि कुछ नया नया लोकेशंस। वैसे पता है एक गांव अच्छा नहीं है, इसीलिए कहीं जाते नहीं हैं हम। अपने घर में जो होता है मेहनत, वही मेहनत करती हूँ मैं। और कहते हैं मेहनत करने के लिए जगह का ज़रूरत नहीं होता है, भले ही मेरा छोटा सा ही घर है लेकिन वहीं पर मैं अपना इतना अच्छा से काम करती हूँ कि उतना अच्छा से काम मैं अपने बाहर जाके भी नहीं करती हूँ। मैंने एक दिन बाद गई थी एक बार माँ के साथ, उतना अच्छा से मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन अपने घर पे ही मैं काम करती हूँ। वैसे गांव अच्छा नहीं है, इसीलिए इधर उधर जाने में खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। कहीं जाते तो आप लोग को तो वीडियो में दिखाई देती हूँ। खैर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना।